और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को खुशबू जैन का प्यार भरा नमस्कार। मैं कहना चाहूँगी आज हम यहाँ पर आए हुए हैं 6 AM to 6 PM गेम ऑफ लाइफ यानी कि दो फिल्मों का ट्रेलर है और म्यूज़िक लॉन्च है, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और हमारे बीच है इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर प्यारेलाल जी। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी मूवी बनाई है और गाने बहुत अच्छे हैं जिसको गा के मुझे बहुत खुशी है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन में काफ़ी आराम कर लिया हमने 2 साल से। अब लगा कि जो भी करेंगे डबल करेंगे, इसीलिए अभी ये डबल फिल्म रिलीज़ करने जा रहे हैं और साथ साथ डबल फिल्म जा रहे हैं शूट करने के लिए हम उदयपुर नेक्स्ट मंथ। तो अब जो भी करेंगे हम डबल करेंगे, डबल धमाका, क्योंकि मेरे साथ जो शख्स है मेरे पीछे खड़ा है उसका नाम है मुकुंद महाले। वो हमेशा बड़ा सोचते हैं और उसी नतीजा है कि हम डबल पे ही काम कर रहे हैं जी। अच्छा पूछिए सर, सॉरी थैंक यू सर, वन मोर प्लीज। देखिए जहाँ तक खुशबू जी की बात करूँ मैं, तो लगभग 15 साल हो गए मुझे आपके साथ काम करते हुए और मेरी कम से कम 8 से 9 फिल्मों में, चाहे मराठी हो या हिंदी हो, खुशबू जी ने गाया है और मैं इनकी आवाज़ से इस तरह वाकिफ़ हूँ। जब भी वो कोई काम करते हैं तो वो उसमें गायकी के साथ जो होता ना दिल से जुड़ा हुआ होता ना एक अपनापन, वो उसमें आ जाता है। मेरी कई फिल्में हैं मराठी की जो आजकल म्यूज़िक चल रही, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनका जब भी कोई सॉन्ग होता है तो अपना वक्त निकाल कर उसमें पूरी तरह डूब जाती हैं वो, और नतीजा आपने देखा होगा जो भी आपने गाना देखा है। खुशबू जी, आपको शेयर करना चाहेंगे जब इन्होंने आपको अप्रोच किया इस फिल्म के लिए या गाने के लिए, तो आपका क्या रिएक्शन था और क्या था? मेरा रिएक्शन तो हमेशा इनकी फिल्मों के लिए, इनके गाने के लिए हमेशा कुछ मैं सोचती हूँ और बहुत खुश हो जाती हूँ कि कुछ तो हमेशा नया ही गाना मिलता है, एक नया जॉनर मिलता है। तो इस बार भी एक ही सॉफ्ट रोमांटिक था और इसके पहले भी हम लोगों ने रोमांटिक गाने, आई थिंक ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स वी हैव डन, और भी कुछ आगे जो जॉनर बाकी हैं तो प्यारेलाल जी हैं उसके लिए। और वेल, अगर भाषा का कहा जाए तो मराठी फिल्मों के लिए भी किया है, वैसे तो काफ़ी ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस हो चुकी हैं और हर भाषा में गाने का एक अपना ही मज़ा है। ये हिंदी में था, इसके पहले एक मराठी में है अभी और मराठी तो हमेशा एक स्पेशल एक्सपीरियंस रहता है। उसके पहले वो सिचुएशन भी बताते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नहीं, ये सवाल बहुत जायज़ है आप लोगों का, क्योंकि 6 AM to 6 PM या सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक जो जर्नी है, अगर देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा, एक पल होता है जब वो एक एक सेकेंड की गिनती करता है वो। और ये एक हादसा हुआ था, कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था, और वो हादसा मेरे जहन में इस कदर घूमता रहा कि उसको एक कहानी का रूप लिया और आज के सामने जो ये फिल्म बन गई है। तो ये 12 घंटे की जर्नी है, शायद मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक है। अब तक शायद 36 घंटे 24 घंटे आ चुकी है, यानी कि 12 घंटे ये मेरी फर्स्ट मूवी होगी मेरे ख्याल से। और गेम ऑफ लाइफ सर, ये गेम ऑफ लाइफ जो है, क्योंकि आज के दौर में देखता हूँ कि कभी न्यूज़ देखिए आप, कोई अखबार पढ़िए आप, कुछ ना कुछ गेम प्लान होता रहता है, मतलब कि इसको इसने लूट लिया, उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसको मार दिया, ये कर दिया, ये गेम जो होता है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े भाई हैं मुकुंद महाले जी, बोले यार ये गेम ऑफ लाइफ अगर हम इससे कुछ काम करें, तो उन्होंने जो कहानी लिखी और जो मैंने कहानी सुनी, मतलब ये इससे अच्छी कुछ नहीं सकती है। तो ये मुकुंद महाले जी की सोच है गेम ऑफ लाइफ, और आज जो फिल्म के रूप में आ चुकी है। कब तक ये थिएटर में लगेगी या क्या? सर, उम्मीद करता हूँ कि अगस्त एंड तक या सितंबर 1 वीक तक मेरी पिक्चर जो है सिनेमा हॉल में आ जाए। जी, मैं सर्वप्रथम तो सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, अपना प्यार आशीर्वाद दिया, और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग किसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे
और उसे आगे भी बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले एरी क्रिएशन के बारे में बताना चाहूँगी कि एरी क्रिएशन एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी वल्गैरिटी चीज़ नहीं आएगी। इसमें हिंदुस्तान के कल्चर हमारी सभ्यता से जुड़े हुए कंटेंट्स ही आएंगे। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि बहुत जल्दी मैं साउथ के एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ हमारी टाइप होने जा रही है, लेकिन इसका अनाउंसमेंट जो उनका नेम है उनका अनाउंसमेंट मैं अगले महीने में करूँगी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है साउथ फिल्म इंडस्ट्री की। मुकुंद सर के बारे में मैं जितना कहूँ कम है। एक्चुअली इनके हमारी मुलाकात डायरेक्टर प्यारेलाल शर्मा जी ने करवाई थी, लेकिन मैं उड टच कहना चाहूँगी कि मैंने रियली उड टच में कह रही हूँ कि इनके जैसा मैंने इंसान नहीं देखा। इन्होंने मुझे हर काम में यही बोलते रहे, तुम आगे बढ़ो, तुम करो, तुम कर सकती हो। तो आई एम रियली मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इज़ अ वेरी गुड राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर। मैं अभी एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर। उन्हें कैसा लग रहा है मुकुंद चालीसा सुनते हुए? तारीफ़ काबिल हो नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मैं स्पार्क देखता हूँ, जैसे पहले शर्मा जी के साथ में देखा कि उनका जो लगन है फिल्म के बारे में, राइटिंग के बारे में, और जो कलाकार से वो निकालते हैं उभार के एक्टिंग करवाते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। और महिमा जी का भी मुझे पता चला कि अच्छे काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं साथ दें हम? तो बस साथ देते गए। अभी सपना हर एक का साकार होने वाला है। हमारे और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हमें पता है, और आगे हमारी ज़िंदगी और अच्छी लोगों की ज़िंदगी हमारे साथ आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुकुंद जी मेरे बड़े भाई समान नहीं, बड़े भाई ही हैं हमारे वो, और उनकी ज़िंदगी का जो अनुभव है वो मैं काफ़ी कुछ शेयर करता हूँ। मैं मेरे लिखने में, मेरे काम में, मेरे एटीट्यूड में बहुत सी चीज़ें इनसे मैं लेता हूँ मैं, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं। और वही हाल हमारा भी है कि जो एक बार चीज़ हाथ में ले ली उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में कि ये सिलसिला यूँ चलता रहेगा। मैंने कहा था डबल धमाका, अब इनके साथ मुझे हर बार दो दो ही फिल्में करनी है, सिंगल मूवी करनी नहीं मुझे। और हाँ, बाय द वे जगन्नाथ जी हैं मेरे भाई हैं, और हमने कम से कम 21 साल की जर्नी, 22 साल की होगी ना, 22 साल में लगभग मैंने 18 फिल्में की है मेरे हिसाब से। सर मैं चाहूँगा कि भाई मेरे बारे में कुछ यहाँ कुछ बोले सर। ऐसे ब्रदर प्यारेलाल शर्मा जी के 21 साल से हम लोग ने जब रिवर्स टेलीविजन जो शुरू हुआ था उस टाइम ने पहली हिम्मत करके हमारा इंडिया में पहली बार कोई प्रोड्यूसर बोलते ना, नहीं हमारी फिल्म आप रिवर्स टेलीविजन करो, हमें आपको पर यकीन है। ही वॉज सच ए फैबुलस पर्सन, इतनी बड़ी रिस्क लेके उन्होंने जो फिल्म हमें दिए थे, एंड इट वॉज लाइक सक्सेसफुली डन, सक्सेसफुली इट वॉज रिलीज इन ऑल थिएटर्स। तो सो हमेशा ही साथ में जुड़े रहे, और इवन टुडे हर काम पे, इवन लाइक एवरी पिक्चर उन्होंने हमें पोस्ट प्रोडक्शन में शामिल करते या प्रोडक्शन में शामिल करते, साथ में हमने डायरेक्शन भी किए, प्रोडक्शन भी किए। सो आई विश, दिल से मैं विश करता हूँ उन्हें एक बड़ी सक्सेस मिले, एंड सिमिलरली महाले साहब को भी, एंड सबको भी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मोहन आइए, हो गया चलो। राज भाई और चांदनी जी, गेम ऑफ लाइफ, इसकी गेम सरकार क्या है, कुछ कर रहे हैं इस फिल्म में, कितना एक्साइटेड आज इतना बड़ा भव्य लॉन्चिंग हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं जागृति एंटरटेनमेंट, प्यारे सर, माले सर, इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये कैरेक्टर के लिए उन्होंने मेरे को चूज़ किया कि राज तू कर सकता है। बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि राज ये कैरेक्टर तेरे लिए ही बना है, तू अच्छे से इसको निभाएगा। तो फिर मैंने सुना कि क्या एग्जिट क्या है इसमें, तो थ्रिल, सस्पेंस, बहुत ऐसे मतलब आदमी को ऐसे बांध के रखती है कहानी। तो मतलब मेरा कैरेक्टर वो फिर बोले कि तुझे दाढ़ी बढ़ानी होगी, तुझे बाल बढ़ाने होंगे, तू नशेड़ी है, तू लड़की बाज है, तो फिर वो लुक भी आना चाहिए, वो चांद था, तो फिर वो ख़त्म करना पड़ा मुझे, मतलब ये वाला कंटिन्यू करना पड़ा।
तो बहुत मज़ा आया उनके साथ और बहुत होप्स है इसके साथ कि कुछ अच्छा होगा। सबसे पहले मैं प्यारे लाल शर्मा एंड मुकुंद महाले जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो उन्होंने इस मूवी के लिए मुझे चुना और उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि आलिया तू, जैसे कि राज ने बोला, ऐसे ही प्यारे लाल शर्मा ने मेरे पे भरोसा किया, मुझे बोला कि चांदनी तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर कॉन्फिडेंस है, तुम कर सकती हो। तो उनको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था और मैंने भी बहुत अच्छा काम किया, सब लोगों ने बहुत तारीफ की मेरी और पूरी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, ऐसा लगा ही नहीं कि एक फैमिली की तरह हम लोगों ने सबने मिल के काम किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये मूवी करके। तो थैंक यू सो मच प्यारे लाल जी एंड मुकुंद महाली जी। मेरा एक मैंने इस मूवी में एक जो सबका मर्डर कर देती है पैसों के लालच में, तो मैंने इस मूवी में सबका मर्डर कर दिया है, किसी को नहीं छोड़ा है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी मूवी है। एग्जैक्ट मुझे पहले लगा था कि मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ कि नहीं, मगर जब ये गेटअप ले लिया पूरा, और एक सीन तो ऐसा था कि सर बोले कि आप चढ़ा लो थोड़ी, तब तक वो होगा नहीं, मैं बोला सर ऐसे नहीं हो जाएगा, सब हो गया था कंप्लीट, मगर एक सीन ऐसा था कि वो नहीं मिल रहा था सर को, तो सर बोले भाई लेके आओ, तो एक ले सॉरी, मगर ऐसा सीन हुआ था, वो वाकया बहुत अच्छा था, फिर लिया, फिर वो सीन जो दिया था सर खुद क्लैप कर रहे थे, और वो ऐसा सीन है एग्जैक्ट कि मेरे फ्रेंड्स पूरा सर्कल, मतलब मैं निगेटिव दिख रहा हूँ पूरे इसमें, मगर कहानी कुछ और है, आता है मेरे पे मगर कर रहा कोई और, तो ये थ्रिलर है, मतलब ये अभी बोल के कोई फ़ायदा नहीं, तो अगर देखोगे तो मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, बस क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोल दिया वैसे भी मैंने, कहानी की जरूरत थी वो, वो जब मूवी आएगी तो आप सब लोग देख सकते हैं उस मूवी को। नहीं नहीं, मैंने इससे पहले भी एक वेब सीरीज सीरियल में काम किया है। तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, डर लग रहा था, और राज को भी थोड़ा सीन देने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था पहले दिन, क्योंकि हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, हम दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी, डायरेक्ट हमारा जो लास्ट वाला सीन आप लोगों ने देखा, डायरेक्ट वो दे दिया सर ने, पहले तो हम दोनों ही डर गए, तो फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बात की, तो दोस्ती बनाई, फिर जाके हमने जो भी सीन दिए फाड़ दिया। सही है। नहीं, वही जैसे चांदनी ने बताया कि वो पहला सीन था, मतलब पहले ही बार हम आमने सामने हो रहे हैं, और थोड़ी वो केमिस्ट्री वाला था, बहुत क्लोज वाला सीन था, सर बोल रहे ऐसा चाहिए ऐसे चाहिए, तो कट हुए, बहुत सारे कट हुए, सर बोल रहे नहीं मिल रहा है, इसको भी बोल दिया नहीं मिल रहा है, वो हमको मज़ा नहीं आ रहा। आपको अंदर से तो और मज़ा आ रहा होगा। नहीं सर, नहीं, वो तो प्यारे सर ही बता सकते सर, ऐसा नहीं था, बस फिर जब वो ख़त्म होने के बाद हमने डिसाइड किया कि यार क्या हो रहा है, मतलब क्यों, फिर हमारी बातें हुई, फिर हम मतलब कोई चीज़ें शेयर हुई, फिर स्क्रिप्ट के बारे में बात की, फिर डिटेलिंग देखी, फिर जाके जो हमने किया है वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई, मतलब एक दिन के बाद जो बनी है बाकी शूटिंग की केमिस्ट्री वो बहुत बेहतर है, पूरा रियल किया है, लग ही नहीं रहा कि एक्ट किया है हमने। मतलब स्टोरी के बारे में बताया है, तो वो सारी चीज़ें कि इंसान की ज़िंदगी में हर स्टेज पे, हर उसमें मोमेंट में अलग अलग तरह के जो नौ रंग है उसको दर्शाया जा रहा है। एक फैमिली ड्रामा है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स एक इंसान के लाइफ में आती है इस फिल्म में वो दर्शाया गया है, तो नवरंग इसीलिए इसको कहा जा रहा है, बिकॉज एक ज़िंदगी में हर तरह के रंग होते हैं, खुशी से लेकर दुख तक, वो सारी चीज़ें इस फिल्म में है।
और सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि सुनने में शायद लोगों को लग सकता है कि नवरंगी बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी या मतलब जिस तरह की फिल्में आती हैं हम यूट्यूब से या सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इट्स फुल कॉमेडी फैमिली फिल्म। तो आप लोगों को देख के जब बन के आएगी फिल्म, अभी तो शुरुआत है, वी नीड ब्लेसिंग्स, तो आई थिंक तो सबको पसंद आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा, जब फिल्म देखेंगे तभी पता चलेगी। आनंद जी ने जैसे ही मुझे ब्रीफ दिया, मुझे बहुत ही अच्छी लगी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ एक कैरेक्टर पे नहीं है, सारे जो किरदार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करे इस फिल्म में। एक कैरेक्टर को भी हटा देंगे तो ये फिल्म नहीं बन पाएगी। तो ईच कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, फैमिली ड्रामा है, जैसे कहा बिल्कुल भी वल्गरिटी नहीं है। तो आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं और ये फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, नौ रंग के साथ एक और रंग जुड़ गया है, वैवाहिक जीवन रंग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी चल रही है वैवाहिक? अभी तो जस्ट वी गॉट मैरिड, ये हादसा कह सकते हैं 18th of July जस्ट 3-4 days बैक, और हाँ बहुत रिसेंटली। और ये रिलेशनशिप सिर्फ 4 दिन का नहीं है, इट्स बिन मोर देन 14 years। मतलब हम जब मिले थे 14 years बैक, तब से हम इंडस्ट्री में हैं और काम कर रहे हैं। तो हाँ, शादी अभी हुई है 18th July को, तो डेफिनेटली आई एम वेरी लकी कि आई गॉट सच ब्यूटिफुल वाइफ फॉर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे दोनों के बीच में अब 14 साल हो गए हैं, तो बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है हम दोनों में, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, दोनों इंडस्ट्री से है और ही इज़ ऑलवेज़ वेरी सपोर्टिव। जब भी मैंने कुछ अच्छा काम किया है हमेशा प्रोत्साहित करना, वो सारी चीज़ें हैं। तो होपफुली अभी शादी हुई है तो वो चीज़ और बढ़ती ही जाएगी, अंडरस्टैंडिंग तो है। तो अब देखते हैं आगे कैसी लाइफ होती है हमारी। खट्टी मीठी चीज़ें तो हर उसमें पत्नी में होती है। अभी तक हम एज ए यू कैन से कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे थे 14 साल से। नहीं, झगड़े तो होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, 14 साल भी हुए और आगे भी होते रहेंगे। तो मेरी बात तो इनको हमेशा माननी ही पड़ती है। मेरा मानना ये है कि सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ जी हाँ, वो तो ऑलवेज सभी कहते हैं और आगे भी मानना। अभी तक मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे भी हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ा है। बट मेरा मानना ये है कि टू अंडरस्टैंड द थिंग, कि हम जिस चीज़ पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड रियलाइज़ कि हमने क्या किया, किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई, और तो उस चीज़ को जो है समझ के आप उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि उस झगड़े को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये लाइफ जो है ना लंबी नहीं चलने वाली। लेकिन जो भी हो, एंड ऑफ द डे वाइफ ही हमेशा जीतती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी हाँ, देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि नवरंगी जो है एक किरदार का एक नाम है खाली, नवरंगी, और वो नाम सिर्फ इसलिए पड़ा था उसके जीवन में क्योंकि उसकी अपनी पारिवारिक लाइफ है, सामाजिक लाइफ है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता तो उसके हाथों एक भूल चूक हो जाती है, लेकिन काम इंसान है तो इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, तो वो एक रंग जुड़ जाता है, उसके ऊपर एक ब्लेम लग जाता है, इसी हिसाब से उसकी लाइफ आगे बढ़ती है तो उसके जीवन में घटनाएँ होती हैं जो हम सभी के जीवन में अच्छी और बुरी होती हैं। तो इसी तरह से जब वो आगे जाता तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें ब्लेम लगा दी जाती। अब आज के ज़माने में सच को सच साबित करना भी बहुत बड़ा हुनर है, नहीं तो हर इंसान के ऊपर एक बुराई का या किसी भी चीज़ का लोग छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर अपने अपने तरीके से तकलीफ होती है। तो ये नवरंगी जो है अपने नव अदाओं के साथ में, नव कलाओं के साथ में ये उन चीज़ों को ठीक करता है, और ये कैसे कैसे करता है, किस किस तरह से इसमें मनोरंजन के साथ में और पारिवारिक समस्याओं को सुलझाते हुए ये नवरंगी किरदार जो हम बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं, जिसका टाइटल भी है नवरंगी।